हेलो फ्रेंड, मैं हूँ इमरान और स्वागत है आपका ISBCS एकेडमी में। जैसे कि SSC CGL का एग्ज़ाम जल्दी नज़दीक आ रहा है और मैं जल्दी से जल्दी आपको प्रैक्टिस सेट करवाना चाहता हूँ हिस्ट्री के या फिर GS के जितने भी क्वेश्चन हैं, जो जो SSC में प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और जो आगे आ सकते हैं, क्योंकि यही प्रीवियस ईयर रिपीट होता है। तो इसका पहला सेट कल मैंने करवा दिया है, जिसने नहीं देखा है तो वो उसे देख ले जाकर। और चलिए हम अगला शुरू कर देते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, उड़ीसा में जोगढ़ में कौन सा ऐतिहासिक स्थल स्थित है, मतलब उड़ीसा में इनमें से कौन सा ऐतिहासिक स्थल स्थित है। पहला कौन सा ऑप्शन है, गुप्त वंश का शाही अर्धवृत्ताकार प्रेक्षागृह, दूसरा है अशोक का शिला अभिलेख स्थल, तीसरा है मौर्य साम्राज्य का प्राचीन कलाकृति स्थल, और चौथा है बंगाल के नवाबों का महल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अशोक का शिलालेख अभिलेख स्थल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधार कला शैली निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राष्ट्र कला से संबंधित थी, मतलब ये किससे संबंधित थी। तो ये है ऑप्शन डी, ग्रीस। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बौद्ध स्तूपों की स्थापत्य कला से जुड़ा हुआ है। तो कौन सा शब्द जुड़ा हुआ है, ऑप्शन ए गोपुरम, ऑप्शन बी है मंडपम, ऑप्शन सी गर्भगृह, और ऑप्शन डी है हर्मिका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हर्मिका। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा स्तूप स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है, मतलब इनमें से ऐसा कोई स्तूप है जो यूपी में नहीं है। तो कौन सा नहीं है, क्या चौखंडी है, या फिर धमेक है, या फिर भरूत है, या फिर रामभर है। तो इसका आंसर हो जाएगा भरूत। भरूत जो है यूपी में नहीं है, ये एमपी में। नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित किया गया था, नहीं तीसरी बौद्ध संगति मतलब किस शहर में आयोजित की गई थी। तो पहला ऑप्शन है श्रावस्ती, दूसरा है तक्षशिला, तीसरा है पाटलिपुत्र, या फिर रंगून। तो आपको ये पता ही होगा, ये तीसरी कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में। इसकी ट्रिक भी होती है, जैसे कि इसकी ट्रिक देखिए, मैं बता रहा हूँ। पहली हुई थी अजातशत्रु के टाइम पर, कहाँ पे, राजगीर में। दूसरी हुई थी कालाशोक के टाइम में, ये कहाँ हुई थी, वैशाली में। तीसरी हुई थी अशोक के टाइम में, ये हुई थी पाटलिपुत्र में। और चौथी हुई थी कनिष्क के टाइम में, ये हुई थी कुंडलवन में। इस ऐसे पढ़ सकते हैं कि जैसे कि RVPK, आर से राजगिरी, और फिर वैशाली, पी से पाटलिपुत्र, और के से कुंडलवन। ठीक है, वैसे मैं ट्रिक आपको बता सकता हूँ, लेकिन इतना टाइम नहीं है। मैं सोचता हूँ कि आप ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए, एक्सप्लेनेशन बाद में कभी दूंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46। निम्न में कौन सा एक राजशाही राज्य नहीं है जो भारत में 7वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मौजूद था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कोसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगे कौन चोल, यह गंगा के विजेता की उपाधि किसने धारण की थी। ऐसा कौन सा राजा था चोल जिसने ये गंगे कौन चोल उपाधि धारण की थी। तो क्या ये वो राजाधिराज था, क्या वे राजा चोल वन था, या फिर राजेंद्र चोल वन था, या फिर विजयालय था। तो ये कौन था, ये थे राजेंद्र चोल वन। इन्होंने ये उपाधि क्यों धारण की थी, इन्होंने यहाँ गंगा के पास काफ़ी इलाके को कैप्चर कर लिया था, तो इन्होंने इसीलिए ने गंगे कौन चोल की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है, एमपी प्रदेश में, ये मध्य प्रदेश राज्य में खजुराहो के स्मारक वंश के उत्कृष्ट निशान है, मतलब ये किसने बनवाए हैं। तो किसने बनवाए, आपको पता होगा, चंदेलों ने, चंदेलों ने। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवी निशुम्भा सुदनी का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था। ये मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था, क्या पल्लवों के द्वारा बनवाया गया था, क्या चोल के द्वारा बनवाया गया था, या फिर गुप्त वंश के द्वारा, या फिर मुत्तरायर के द्वारा। किसके द्वारा बनवाया गया था ये, पल्लवों के द्वारा, चोलास के द्वारा, ये चोलास के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है 50 क्वेश्चन,
हर्यक वंश का एक शासक अजाशत्रु का पुत्र था, मतलब इनमें से कोई एक अजाशत्रु का पुत्र था जो हर्यक वंश का शासक था। कौन था वो? क्या नागदशक था, या फिर उदयन था, फिर या फिर अनिरुद्ध था, या फिर बिंबिसार? तो इसका आंसर क्या जाएगा? बिंबिसार। नेक्स्ट देखते हैं। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके द्वारा नियुक्त किया गया था, मतलब किसके यहाँ पर ये चिकित्सक था? तो ये कहाँ था? ये बिंबिसार के यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नंद वंश का अंतिम शासक नींद में कौन था? तो कौन था? क्या घनानंद था, या फिर पांडु का, या फिर गोविनाश का, या गोविशना का, या कैवर्त था? तो कौन थे? ये थे धनानंद। इन्हें चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था, इसका तो मौर्य साम्राज्य स्थापित हो गया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, चौथी सदी ईसा पूर्व से पहले मगध की राजधानी क्या थी? मतलब चौथी सदी से पहले मगध की राजधानी कुछ और थी, क्या थी वो बताना है। तो वो राजधानी क्या थी आप बताइए? वो राजधानी हो जाएगी राजगृह। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, इसके बाद जो अभी इससे पहले राजधानी राजगृह थी, इसका चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी बदल दी गई थी, स्थानांतरित कर दी गई थी। वो कहाँ कर दी गई थी? इसका कर दी गई थी पाटलिपुत्र में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, किस वंश ने महाबलीपुरम के पंच रथों का निर्माण कराया? ए चेरा ने, बी पल्लवा ने, सी सातवाहना ने, या डी चोला ने? किसने करवाया? पल्लव वंश के शासकों ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में कौन एक चोल साम्राज्य मंदिर का एक उदाहरण है, मतलब ये मंदिर चोल साम्राज्य द्वारा बनवाया गया था? तो क्या वो बादामी गुफा मंदिर था, या फिर चेन्नाकौ मंदिर था, या फिर ऐरावतेश्वर था, या फिर विरूपाक्ष था? तो इसका हो जाएगा ऐरावतेश्वर मंदिर, ये चोल साम्राज्य द्वारा बनवाया गया टेम्पल है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान सातवीं तथा आरंभिक छठी सदी ईसा पूर्व में कितने महाजनपद अस्तित्व थे, मतलब उस टाइम महाजनपद की संख्या कितनी थी? तो ये सबको पता होगा, कॉमन क्वेश्चन है 16। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? क्या नरसिंह वर्मन था, या फिर मंगलेशा था, या फिर कीर्ति वर्मन था, या फिर पुलकेशन था? पुलकेशन फर्स्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुलकेशन प्रथम। और चालुक्य वंश में एक पुलकेशन सेकंड था, जिन्होंने हर्षवर्धन को पराजित किया था नर्मदा नदी के तट पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये किसने स्थापित किया था? धर्मपाल ने। ये पाल वंश के एक प्रतापी राजा थे। ये 9th सेंचुरी में बनाया गया था, 9वीं शताब्दी में। नेक्स्ट है, एक पाल राजा ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। देखिए ये भी क्वेश्चन इससे पहले कहाँ आया? यह आया CHSL में 2019 में, और इसके बाद कब रिपीट हुआ? ये उसी साल ये रिपीट हुआ, किसमें? CGL में। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा बदल दिया गया। तो किसने किया था? धर्मपाल ने। वही सेम क्वेश्चन आ गया, ऐसे ही ऐसे रिपीट होते रहते हैं, इसीलिए आप प्रीवियस ईयर जरूर पढ़िए, और जो ना हो उसे आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, मिहिर भोज शासक थे, किसके शासक थे? मिहिर भोज कहाँ के थे? वो किस वंश के थे? प्रतिहार वंश के शासक थे। ये काफी प्रतापी थे, इन्होंने अरबों का आक्रमण बहुत बार रोका। नेक्स्ट है, बादामी चालुक्यों ने बादामी से पहले अपनी राजधानी बनाया। अच्छा, ये मतलब बादामी के जो चालुक्य थे, इन्होंने बादामी से पहले किसी और जगह को अपनी राजधानी बनाया था, वो क्या है? देखते हैं। क्या वो पट्टकल है, या फिर ऐहोल है, या फिर हुबली है, या फिर बीजापुर है? तो वो क्या है? वो है ऐहोल। ऐहोल को उन्होंने पहले अपनी राजधानी बनाया, इसके बाद इन्होंने बादामी को बनाया था। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है, वर्तमान के भोपाल शहर का निर्माण निम्न में से किस प्रतिहार शासक के द्वारा किया गया था? मतलब ये जो भोपाल शहर बसाया हुआ है एमपी में, ये किस प्रतिहार शासक के द्वारा बनाया गया था, बसाया गया था? ये कौन था? महेंद्र भोज, राजपाल विजय सिंह या मिहिर भोज? तो ये किसके द्वारा बनवाया गया था? ये बनवाया गया था मिहिर भोज के द्वारा, राजा भोज, जिसके नाम पर वहाँ पर यूनिवर्सिटी भी है एमपी में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भोपाल का वर्तमान शहर निम्न में से किस प्रतिहार शासकों द्वारा बनवाया गया था? ये देखिए फिर रिपीट हुआ, ये ऐसे ही रिपीट होता रहता है क्वेश्चन, आप इसलिए बहुत जरूर है कि आप ये प्रैक्टिस सेट जरूर करिए। मिहिर भोज ने। नेक्स्ट देखते हैं, खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारकों का निर्माण किसने करवाया? यानी खजुराहो का निर्माण किसने करवाया, किसने करवाया? ये चंदेलों ने, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, चोल वंश के अंतर्गत किसानों की बस्तियों को किस नाम से जाना जाता था? मतलब चोल वंश का जब साम्राज्य चल रहा था उस टाइम किसानों की बस्तियों किस नाम से जानते थे? उसे जानते थे उर के नाम से, ऑप्शन सी। ठीक है, और इन बस्तियों का जो समूह होता था, बहुत सारे गांव का समूह, उसे कहते थे नाडू, जिसके नाम पर तमिलनाडु बना हुआ है, उसे नाडू कहते थे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, हर्यक वंश से मगध का प्रथम शासक कौन था? अच्छा, मगध का प्रथम शासक पूछा गया कौन है, तो कौन है? क्या बिंबसार है, या फिर प्रसेनजीत है, या फिर अशोक है, या फिर अजातशत्रु है? तो कहने बिंबसार, ये इसके पहले शासक थे हर्यक वंश के। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, राजाधिराज चोल शासकों के राजस्व प्रशासन के संबंध में शब्द शालाभोग का अर्थ क्या है? मतलब शालाभोग का अर्थ पूछा गया है चोल शासकों में, तो क्या है? सिंचाई सुविधाओं को बनाए रखने के लिए दान में दी गई भूमि, या फिर बी नया बसा गांव, या फिर सी विद्यालय के रख रखाव के लिए दान दी गई भूमि, या फिर डी किसी योद्धा को दान दी गई भूमि? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 68 है, इसका आंसर हो जाएगा विद्यालय के रख रखाव के लिए दान दी गई भूमि। नेक्स्ट देखते हैं, मगध के एक शक्तिशाली महाजनपद होते हुए भी वैशाली में अपनी राजधानी वज्जी सहित प्रशासन के अन्य स्वरूप के अधीन था, वो कौन कहलाता था? समाजवाद, लोकतंत्र, गणतंत्र या पंचायती? तो इसका आंसर हो जाएगा गण या संघ। क्या? गण या संघ। नेक्स्ट देखते हैं, 70, मौर्य शासन आ गया यहाँ से। चंद्रगुप्त प्रथम को कौन सा राज लिच्छवी से दहेज में मिला था? अच्छा, लिच्छवी से इन्होंने, लिच्छवी की रानी से इन्होंने शादी की थी, तो इन्हें दहेज में एक राज मिला था। कौन सा राज मिला था? इन्हें मिला था पाटलिपुत्र, जिसका इस टाइम नाम पटना है वर्तमान में। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए आज इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।